हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 इस एग्ज़ाम में पूछे गए सिनोनिम्स के सभी क्वेश्चंस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पूछे गए हैं सिनोनिम्स के, उनका डिस्कशन करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2023 ये एग्ज़ाम अभी 2 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में कराया गया है। टोटल में 40 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है और इसकी आंसर की रिलीज़ की गई थी 20 अगस्त को। चेक करने पर ये पता चलता है कि टोटल जो क्वेश्चन सिनोनिम्स के पूछे गए हैं वो लगभग 100 के आसपास हैं। हम इस वीडियो सेशन में इन 100 में से 20 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? हाँ, मैंने पूरी शीट स्टडी करी है और फिर मुझे उसमें से 20 के आसपास ऐसे वर्ड्स लगे जिनका मीनिंग खास है या जिनके ऑप्शंस कुछ स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, तो मुझे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे। तो हम इन 100 टोटल क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस, इस टेलीग्राम चैनल पर CHSL के सभी 100 सिनोनिम्स का PDF पड़ा हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ सिनोनिम्स का ही नहीं, idioms, phrases, one word, spelling errors, सब का, one word substitutions, idioms and phrases, synonyms, antonyms, जितनी भी vocabulary सबकी e-book available है PDF format में। टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और जो हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ, वहाँ पर आप PDF नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी PDF अवेलेबल है। आइए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। द गेस्ट वॉज हैकल्ड बाई द स्पेक्टेटर्स। सो स्पेक्टेटर्स बोलते हैं दर्शकों को। कभी कभी क्या होता है कि जो फैंस होते हैं वो आपके इतना करीब आ जाते हैं कि धक्का मुक्की हो जाती है ना, इसी को हैकलिंग कहा जाता है। जब कोई आपके बहुत करीब आ जाए और धक्का मुक्की के साथ आपको फिर निकलना पड़े, अब इसमें आप डर जाते हैं कई बार, तो हैकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स हो जाएगा। अब सोचिए क्या इसमें सही ऑप्शन हो सकता है। जरा सा दिमाग का प्रयोग करिए। हेल्प और एड एक जैसे वर्ड हैं। जब किसी को चोट लगती है तो उसे फर्स्ट एड दी जाती है, तो एड एक प्रकार की हेल्प है, राइट? तो अब हेल्प और एड तो होने से नहीं रहे, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी होगा। काम का मतलब शांत करने से होता है, वो क्यों हो जाएगा? टॉन्ट ही होगा। टॉन्ट का मतलब ही होता है धक्का देना, पुश करना एक तरीके से, सुन रहे हैं ना, थ्रैश करना जिसको कह सकते हैं। हालांकि टॉन्ट में ज्यादातर आप शब्दों के माध्यम से किसी को डराते धमकाते हैं, और यहाँ तो खैर एक तरीके से फिजिकली किसी को पुश किया गया, लेकिन होगा यही वर्ड। तो पुश, थ्रैश, हेकेल, टॉन्ट, इन सब का एक ही मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वॉज क्वाइट पॉपुलर। नया फैशन ट्रेंड आया, वो काफी पॉपुलर भी हुआ। सम क्रिटिक्स वर क्विक टू डिराइड इट एज अ पासिंग फैड। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने तुरंत कहा कि ये एक गुजरती हुई बात है, आज है कल नहीं रहेगी, पासिंग फैड, एक गुजरे हुए दौर से उसे कंपेयर कर दिया। सर डिराइड, जिसका नाउन वर्जन डिरीजन है, इसका मतलब किसी का मजाक उड़ाने से है, मॉकरी से है। जब आप डिराइड करते हैं तो किसी पर हंसते हैं एक तरीके से, हाँ, जिस किसी पर हंसते हैं, मॉक करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, जिसको आप जाइब भी कह सकते हैं, किसी से मजे लेना, किसी से मौज लेना। अब बताइए हंस के मतलब का, ये तो गुजरी भी बात है। अब सोचिए क्या हो सकता है। जरा सा दिमाग का यहाँ भी प्रयोग करिए। अप्लॉड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और हेल का मतलब भी होता है सर किसी की तारीफ करना। हाँ, वी हेल योर एफर्ट्स, हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। मिस्टर इंडिया मूवी में हेल मोगैम्बो आता है, वहाँ पे वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पढ़ते हैं ही अप्लॉडेड, तो अप्लॉड और हेल दोनों का मतलब तारीफ करना है। ये तो दोनों होने से रहे, वही बात, अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं आंसर होगा।
राइट। और फिर डिराइड का मीनिंग मैंने बता ही दिया, मजाक उड़ाना किसी का। आप सोचिए रिडिक्यूल और डिटेस्ट में होगा, ये ऑप्शंस अच्छे हैं सर। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, घृणा करना सर। डिटेस्ट थोड़ा सा अटेस्ट का ऑपोजिट ले सकते, जब आप अटेस्ट करते हैं तो अप्रूव कर देते हैं, जब आप डिटेस्ट करते हैं तो डिसअप्रूव कर देते हैं, घृणा करते हैं, दूर भगाते हैं, ये हेट हो जाएगा। रिडिक्यूल इसका सही सिनोनिम है। रिडिक्यूल करने का मतलब भी किसी पर हंसना ही होता है, किसी को डिमीन करना, एक तरीके से नीचा दिखाना जिसको कहा जा सकता है, डिग्रेड करना बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, डिराइड, मजाक उड़ाना किसी का, नीचा दिखाना किसी को। केव्स लाइक अजंता लाई इन परपिचुअल डार्कनेस, कुछ हिस्ट्री भी आपको आए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अजंता जैसी जो गुफाएं हैं वो कैसी डार्कनेस में है, हिस्ट्री के टीचर्स पढ़ाते हैं कि अजंता अलोरा की गुफाओं में प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, दे ऑलवेज रिमेन इन डार्कनेस, वो हमेशा अंधेरे में ही रहती हैं सर। परपिचुअल का मतलब है हमेशा एक जैसा, जो चीज जस की तस है वैसी ही बनेगी, जिसे आप इटर्नल भी कह सकते हैं, जिसे आप एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं, जो जैसी कल थी वैसी ही आज है और वैसी ही कल भी रहेगी, इसी को परपिचुअल कहते हैं। सोचो सर, ब्रीफ तो नहीं होगा, ब्रीफ तो छोटे को कहते हैं, ह्यूज बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, वो क्यों कहेंगे। एक्सट्रीम और परमानेंट में कई बार आप कंफ्यूज होंगे कि एक्सट्रीम डार्कनेस बोले मतलब बहुत ज्यादा अंधेरे में है, एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा अंधेरे में, और परमानेंट डार्कनेस का मतलब है पूरी तरीके से अंधेरे में और हमेशा से अंधेरे में। तो सही आंसर ये नहीं है कि वो गुफाएं बहुत ज्यादा अंधेरे में है, सही बात कही जा रही कि वो गुफाएं हमेशा ही अंधेरे में है, तो परमानेंट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, बिविच करना। ये जो आप बिविचिंग देख रहे हैं इसका वर्ब फॉर्म जो है बिविच है, ऐसे लिखिए बिविच। बिविच का मतलब क्या है, देखिए सर आप इसे अलग करिए, विच को अलग करिए, विच किसको कहते हैं, टोना टटका करने वाली औरतों को, जादूगरनी को कहते हैं, चुड़ैल को भी कहते हैं कई बार, जादूगरनी को विच कहा जाता है। आप समझिए सर, जादूगर या जादूगरनी क्या करेगा, क्या करेगी सर, जादूगरनी आपको अपनी ओर खींचेगी, पहली बात तो आपको चीट करेगी, पर चीट करने का तरीका क्या होगा सर, क्या वो आपको डराएगी या उसको देख करके आपको घृणा आएगी, नहीं, तो बहुत सुंदर होगी, पहले वो अपनी ओर आपको खींचेगी, फिर वो चुड़ैल है वो बन के सामने आ जाएगी। पहले तो वो अपनी ओर आपको खींचेगी ही ना, जादूगरनी अपनी ओर आपको आकर्षित करेगी गुमराह करने के लिए ही, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो बेविच करने का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, हालांकि नेगेटिव है, तो आप अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सच में सब कुछ बहुत अच्छा है, फूलों की खुशबू नहीं है जो अट्रैक्ट करती है और वो जेन्युइन भी होती है, आप अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज यू वांट टू चीट दैट पर्सन। तो अट्रैक्ट करना, सेड्यूस करना जिसको कह सकते हैं, बिगाइल करना जिसको कह सकते हैं, इन सब का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, अपनी ओर खींचना चीट करने के इरादे से। अब सोचिए, पेनफुल नहीं होगा, रूड हार्श हो गया, रिपल्सिव अल्यूरिंग में, रिपल्सिव अल्यूरिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है, रिपल्सिव चीजें वो होती जो दूर भागती हैं, जिन्हें आप होस्टाइल भी कहते हैं कभी कभी, आप इन्हें रिपेलिंग भी कह सकते हैं, ठीक, रिपेलिंग, डिस्ट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं, और अल्यूरिंग का मतलब है जो चीजें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हो, यानी कि वो चीजें अट्रैक्टिव हो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिविच करने का मतलब है चुड़ैल के जैसे अपनी ओर पहले खींचना, अट्रैक्ट करना, अल्योर करना। She was completely baffled by his strange behavior. अब वो उसके अजीबोगरीब बिहेवियर से पूरी तरीके से क्या होगी, बैफल्ड होगी। सोच करके देखो, मानो आपको बैफल्ड का मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन सेंटेंस को देख करके कुछ तो दिमाग चल सकता है ना, कि वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से पूरी तरीके से बैफल्ड होगी। अब ऑप्शंस देखिए,
ये दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, या तो कंफ्यूज्ड या तो एंगर्ड, क्योंकि आप यही सोच सकते हो कि वो महिला या तो उसके उस लड़के हिज लिखा है ना, या तो वो महिला उस लड़के के अजीब बर्ताव से गुस्सा हो गई तो एंगर, या तो फिर वो महिला उसके अजीब बर्ताव से भ्रमित होगी, वो समझ नहीं पाई कि वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट करता कर रहा है। जब कोई अजीबोगरीब रिएक्शन देता है तो या तो आपको गुस्सा आती, या तो आप सोचते हैं यार ये क्या हो गया, इसको पागल हो गया क्या, भूत प्रेत आ गया है क्या। तो ये दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होना चाहिए। देखिए ये जो रिलीव्ड लिखा है तो ये बनता है रिलीफ से, रिलीफ नाउन है। इसी रिलीफ में जब आप एफ की जगह वी ई लगा देते हैं इट बिकम्स अ वर्ब, वो आराम या आराम दिलाना। अगर आप रिलीव्ड फील करते हैं तो आपको लगता है हाँ अब आप मुक्त हो गए, अब आप आराम, आप एक तरीके से रिलैक्स्ड फील करते हैं, फ्री फील करते हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ बोझ आपका उतर गया ऐसा फील करते हैं। अनफेज्ड का मतलब होता है जब कोई चीज आपको प्रभावित ना करे, स्पेशली आपके आपका जो साहस है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, उस पर कोई दिक्कत ना हो। अनफेज्ड अगर आप हैं तो अनमूव्ड हैं, जैसे किसी की खूब आलोचना करी गई, वैसा है वैसा है, बट ही वॉज अनफेज्ड बाई ऑल दैट क्रिटिसिज्म, मतलब वो सारी आलोचना उसको कुछ नहीं कर पाई, उसका कुछ नहीं कर पाई, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये अनफेज्ड होना है, अनमूव्ड, अनअफेक्टेड, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं सर, पॉजिटिव वर्ड है। आप अनफेज्ड हैं तो आप पर गंदी चीजों का कोई असर कहीं से नहीं होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे कहीं से, जिसको आप अनपर्टर्ब भी कहते हैं। आप डिटरमाइंड हैं, जैसे शिव साधना कर रहे थे और कामदेव तो कितना प्रयास कर रहे थे कि शिव की साधना टूट जाए, लेकिन नहीं टूटी। तो शिवा गॉट अनफेज्ड बाय द ट्रांट्रम्स ऑफ कामदेव। अब समझिए सर, तो खैर इन दो के बीच में है। अब बैफल का मतलब तो कंफ्यूज समझ, ये इतना याद करिए सर। अच्छा अगर गैस भी लगाना है तो होता ना 50-50 हो जाए, अभी पॉसिबिलिटी नहीं ज्यादा बड़ी तो 50-50 ही होगी, अभी तो 25-25 अगर आपको चारों में से कुछ नहीं मालूम है और आप सेंटेंस को भी पढ़ के कुछ रिलेट नहीं कर पाते हैं तो बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिसको आप पजल्ड कह सकते हैं, जिसे आप परप्लेक्स्ड भी कह सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द कमिटी में मिटिगेट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी का जो डिसीजन है उससे संस्था की जो ग्रोथ है वो या तो सब बढ़ जाएगी या तो बिगड़ जाएगी। सोच के देखिए ना, कमिटी ने कोई डिसीजन लिया है उससे जो संस्था की ग्रोथ है या तो वो बढ़ेगी या तो घटेगी। मिटिगेट करने का मतलब होता है सब मिट्टी में मिला देना, समाप्त कर देना। तो इसको याद करने का तरीका मिट्टी मिट्टी नहीं समझे, MITI मिट्टी मिट्टी, तो मिट्टी में मिला देना मतलब जीरो कर देना। वैसे मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि मिट्टी में किसे मिलाना, कष्टों को, गरीबी को, गुस्से को, बेईमानी को, और एक तरीके से कैद को, पाबंदियों को मिटिगेट करना, चैलेंजेस मिटिगेट किए जाते हैं, हंगर मिटिगेट की जाती, भूख अगर मिटिगेट हो जाएगी तो अच्छी बात है, लोग एंगर को मिटिगेट करते, पावर्टी को मिटिगेट करते, चिंताएं जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वरीज हैं, वो मिटिगेट की जाती हैं। तो ये है मिटिगेट का मीनिंग। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लेसन करना, लेसन करना, लेस का मतलब काम करने से हुआ ना, तो लेसन करना यही इसका सही आंसर है। शो मतलब दिखाना, एक्सेलरेट करने का मतलब तो इंक्रीज करना होता है, क्या गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है जिसको आप खींच दीजिए तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है, एक्सेलरेट करना, बढ़ा देना चीजों को। डाइवर्ट करने का मतलब तो रास्ते से भटका देना है ना सर, डेविएट कर देना है, डाइवर्ट कर देने का मतलब तो डेविएट कर देना है, रास्ते से भटका देना है। एक्सक्यूज मी एक सेकेंड का टाइम दीजिए।
तो लेसन हो जाएगा चीजों को। डिमिनिश भी एक शब्द होता है सर, डिमिनिश कर देना। एक वर्ड से पेरिश भी होता है, और एक तो एक डिटर्जेंट आता है वैनिश, इन सब का मतलब खत्म करना हुआ। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द अबॉमिनेबल टेबल मैनर्स ऑफ ओल्ड आंट। इसका मीनिंग समझ रहे हैं? बच्चों को अच्छा नहीं लगा क्या? टेबल मैनर्स का मतलब है कि जैसे खाने की टेबल पे आप बैठे तो कैसे कैसे खाना खाना है आपको, हाथ से खाना है या स्पून से खाना है, हाँ टॉवल रख के खाना है या ऐसे खाना है वैसे खाना है, हाँ लेफ्ट हैंड से इसे पिक करना है, राइट हैंड से इसे पिक करना है, चीज़ों को हाथ से उठाना है या प्लकर से उठाना है, तो ये सब टेबल मैनर्स में हुए। तो बच्चों को उस ओल्ड आंट के टेबल मैनर्स अबॉमिनेबल लगे। अबॉमिनेबल मतलब घृणास्पद होता है सर, घृणास्पद का मतलब होता है जिससे आप घृणा करेंगे, जो चीज आपको लगी गंदी है ये, ऐसे क्या होता है सर? सर ध्यान से देखिए, ए भी एक रूट है जिसका मतलब है दूर भगाना। आप दुर्गंध से ही तो दूर भागना चाहेंगे ना, अच्छे से क्यों दूर भागना चाहेंगे सर? इसी का वर्ब वर्जन है अबॉमिनेट। अबॉमिनेट करते हैं तो आप डिटेस्ट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। अबॉमिनेबल का मतलब होता है खराब, बहुत ज्यादा बेकार जिसको कह सकते हैं। अबनॉक्शियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑब्नॉक्शियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, खराब गंदा डिटेस्टफुल जिसको कह सकते हैं, डिटेस्टफुल। ऐसा कोई होता है कि ये करिए वो करिए? देखिए डिलेक्टेबल का मतलब तो डिलीशियस होता है, फूड के लिए आता है वर्ड। याद करने का तरीका भी टीचर्स बताते हैं कि डेल डिलेक्टेबल और डिलीशियस की स्पेलिंग बहुत मेल खाती है, शुरुआत का हिस्सा। तो जो चीजें डिलीशियस हैं वो डिलेक्टेबल है, जायकेदार है, स्वादिष्ट है। इनफ्लेक्सिबल तो रिजिड को कहा जाएगा ना। स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त से हुआ, सख्त से हुआ, ये भी रिजिड हुआ। और स्टर्न हुआ, देखिए सर स्ट्रिंजेंट जो है वो ओल्ड आंट खुद हो सकती हैं, जो मैनर्स हैं वो अबॉमिनेबल है तो वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, मतलब वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ऐसे हैं आपको आपको हेट आती है। ये क्या तरीका है? मैं नहीं कहूंगा ऐसे लोगों के बीच में। तो ऑब्नॉक्शियस टेबल मैनर्स हैं। मेक शिफ्ट आप गौर करिए, जब ठंडियां बहुत पड़ती हैं तो रैन बसेरे बनाए जाते हैं, ऐसे जो घर होते हैं जो आज हैं पर 10 दिन के बाद नहीं है, उन्हें मेक शिफ्ट होम्स कहा जाता है, जिसको आप काम चलाऊ कह सकते हैं। जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, रात गुजारनी होती है तो टेंट लगा लेते हैं, कैनवस लगा लेते हैं, वो मेक शिफ्ट होता है, काम चलाऊ जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप प्रोविजनल बोल सकते हैं, टेम्प्ररी बोल सकते हैं, ठीक टेम्प्ररी बोल सकते हैं। ये देखिए सही आंसर है, बिल्डिंग्स के लिए ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, टेंट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, मेक शिफ्ट शेल्टर्स जिसको कहा जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है राम जी का, उस मंदिर से पहले इतने वर्षों से रामलला जो हैं एक तंबू में ही रह रहे थे, वो मेक शिफ्ट होम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा सर? मेक शिफ्ट होम कहा जाएगा। लेकिन सौभाग्य से अभी बहुत जल्द ऐसा होगा कि वो एक भव्य मंदिर में सुशोभित भी होंगे, तो वो उनका परमानेंट घर हो जाएगा, है ना? बहुत सुंदर बात होगी वो। प्रोविजनल जो चीज काम चलाऊ है सर, जब आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है पर सर्टिफिकेट या डिग्री आपको नहीं मिल पा रही होती, इस बीच में अगर आपको सर्टिफिकेट या डिग्री का कोई काम है तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसी इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू कर दिया जाता है, वो तब तक काम आता है जब तक परमानेंट डिग्री ना मिल जाए, जैसे ऑर्डिनेंस होता है। इनकंसिडरेट समझते हैं किसको कहते हैं? इनकंसिडरेट वो है जिसे दूसरे की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है, जो इमोशनलेस है, जो भाव शून्य है, जो दूसरे की बात को कंसीडर ही नहीं करेगा। सर कंसीडर करने का मतलब है किसी की बात पर ध्यान देना, सुनना, और अगर आप इनकंसिडरेट हैं तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, तो आप एक तरीके से इमोशनलेस हैं, रिजिड हैं, रूड है एक तरीके से। हाँ रिसोर्सफुल समझते हैं, साधन संपन्न,
परपिचुअल का मतलब अभी मैंने पीछे बताया सतत जिसको कहते हैं, परपिचुअल डार्कनेस अजंता केव के लिए, जिसको आप कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, आप इसे परमानेंट भी कह सकते हैं, प्रोविजनल इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। He was put behind bars. कहीं लिख लीजिएगा, put behind bars एक idiom है जिसका मतलब है किसी को जेल में बंद कर देना, सलाखों में डाल देना। बार्स सरिया को कहते हैं, जो जेल का गेट होता है वह ऐसे ऐसे सरियों से बना रहता है ऐसे, तो इन्हीं बार्स के पीछे किसी को डाल देना, तो जेल में बंद कर देना। फॉर हिज एक्ट ऑफ फोर्जरी, अब फोर्जरी कोई नेक काम तो होगा नहीं, सुना भी होगा आपने फोर्जरी, फोर्जरी किसको कहते हैं, धोखाधड़ी, जालसाजी, यही फोर्जरी है। अब समझिए सर, जब आप पढ़ोगे तो कोएक्सिंग का मतलब तो बहलाना फुसलाना होता है, कोएक्स करना, कैजोल करना जिसको कहा जा सकता है। अभी आपने पीछे बिविच पढ़ा ना, बिगाइल, ये सब कोएक्सिंग उसी का सिनोनिम है बिविचिंग का, बहलाना फुसलाना। मर्डर तो हत्या हो गया, ये नहीं फोर्जरी का मतलब होता, धोखाधड़ी, जालसाजी। अब ये दोनों ही शब्द जो है धोखाधड़ी के इस्तेमाल में आते हैं, ये दोनों ही फोर्जरी के सिनोनिम कहे जा सकते हैं, इम्बेजलिंग भी और काउंटरफीटिंग भी। फिर भी इसमें करेक्ट आंसर काउंटरफीटिंग है। कैसे, सुनिएगा सर, फोर्जरी का मतलब जो है वो जालसाजी होता है सर। अब जालसाजी का मीनिंग क्या होता है, जालसाजी का मतलब है नकली करना चीजों को, मतलब हूबहू वैसे ही कॉपी करना, नकली माल बेचना, फोर्जरी इसको कहते हैं, कॉपीड आइटम को भेजना, नकली नोटें, फोर्जरी का मतलब जालसाजी से है, मतलब उसका उसी ओरिजिनल का डुप्लीकेट तैयार कर देना, ये फोर्जरी में आता है। और यही काउंटरफीटिंग में आता है, काउंटरफीटिंग भी नकली। सर ये जो एक शब्द मैं लिख रहा हूँ काउंटरफीट, ओ एफ ई आई टी, डी गलत, काउंटरफीट करेंसी होती है, नकली नोट कहते हैं। इम्बेजलिंग सर पैसे की चोरी करने को कहते हैं, स्टीलिंग मनी, वो पैसा जो आपकी जिम्मेदारी पे रखा गया हो, अगर आप उसी पैसे में हेरा फेरी कर दें तो ये इम्बेजलमेंट में आता है, गबन जिसको कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, गबन, तो पैसों का गबन हो जाता है ना, तो जब चोरी होती है रुपए पैसे की तो वो इम्बेजलमेंट है या इम्बेजलिंग है, और जो नकली चीजें बनाई जा रही है वो फोर्जरी है या काउंटरफीट करना है। इनडिस्पेंसिबल सर, डिस्पेंस करने का मतलब होता है फेंक देना, डिस्पेंस करने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्पोज कर देना, फेंक देना। अब समझिए, जो चीजें डिस्पेंसिबल है वो एसेंशियल नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट है, दैट कैन बी गॉट रिड ऑफ, जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जिन्हें हटाया जा सकता है, पर अगर कुछ इनडिस्पेंसिबल है तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है सर, वो नेसेसरी है, जरूरी है, वो रेलेवेंट है, वो एसेंशियल है सर, वो काम का है, सिग्निफिकेंट है एक तरीके से, काम का है। जो चीज इंडिस्पेंसिबल है वो यूजफुल होती है, उनके लिए आप बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। वाटर इज इंडिस्पेंसिबल, क्या हम पानी को किनारे कर सकते, नहीं कर सकते सर, इंडिस्पेंसिबल। अब बताइए, इटर्नल का मतलब तो परमानेंट हो गया, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। फोर्सफुल जबरदस्ती, मेमोरेबल जो याद रहे, एसेंशियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम हो जाएगा। हाँ, एक इंग्लिश की टीचर है नीतू मैम, उनका नाम है, सभी लोग जानते होंगे, उनकी जो बुक है वो उसे बोलती है कि ये इंडिस्पेंसिबल मटेरियल है फॉर ऑल एसएससी एस्पिरेंट्स। तो इंडिस्पेंसिबल होने का यही मतलब है कि वो चीज एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। द ट्रांजिएंट सर, 50% वीडियो हो चुका है, टोटल में 20 वर्ड्स हमको पढ़ने हैं और 10 हो चुके हैं, और ये 25 मिनट्स होने को है, यानी कि 50 मिनट्स में पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसे पढ़ाते समय ये कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊँ, बीच में ज़्यादा बातें ना करें और बहुत धीमे भी ना पढ़ें, पता चला कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, ठीक है। और मैं ये भी आपको सुझाव देता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो
1.25 पे देखें, इससे स्पीड सही रहेगी और तेजी से भी देख सकेंगे। ट्रांजिएंट सर, ट्रांस का मतलब होता है बदलना, चेंज, और अगर चीजों को आप बदलते रहेंगे या बदलेंगे तो वो परमानेंट नहीं हो पाएंगे, स्थायी नहीं हो जाएंगी, वो अस्थायी रहेंगी। ट्रांस से ही सर ट्रांसलेट बनता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, ट्रांसफर कर दिया गया तो उसे यहां से वहां भेज दिया गया। ट्रांस का मतलब बदलना होता है, ट्रांजिशंस होते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स में, ट्रांजिशंस होते हैं, तो ट्रांस का मतलब चेंज करने से है। अब जब चीजों को चेंज करेंगे तो वो एक जैसी हमेशा नहीं रहेंगी, बदलती रहेंगी। यही से जो ट्रांजिएंट वर्ड है, ट्रांजिटरी वर्ड है, इनका मतलब होता है क्षणिक, जो चीजें देर तक ना रहें, थोड़ी देर तक रहें लेकिन हमेशा ना रहें, क्षणिक। क्षणिक को शायद ऐसे ही लिखते होंगे, क्षणिक, ट्रांजिएंट, जिसको आप ट्रांजिटरी भी कह सकते हैं, ट्रांजिटरी, जिसे आप मोमेंटरी भी कह सकते हैं कि अभी के लिए। तो ट्रांजिएंट रेन्स हैव कॉज्ड हार्म टू द क्रॉप्स इन द नॉर्थ। तो ये जो छुटपुट बारिश हुई है, रुक रुक के बारिश हुई है, आधे घंटे हुए फिर दो दिन बाद फिर से हो गई, इससे नुकसान हुआ। अब आप समझो, लॉन्ग परपिचुअल स्टेबल ये नहीं होगा। लॉन्ग मतलब लंबा, परपिचुअल मतलब स्थायी, स्टेबल मतलब ही देर तक, ये सब तो एक जैसे वर्ड होगा ना, फ्लीटिंग होगा। फ्लीट किसको कहते हैं? फ्लीट करने का मतलब होता है चले जाना। ये जो गाड़ियों का एक काफिला होता है ना, उसे आप फ्लीट ऑफ कार्स बोलते हैं। वो काफिला जो किसी जगह से गुजर रहा हो, अब अगर गाड़ियों का काफिला किसी जगह से गुजर रहा है तो अभी दिखा, थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो गया। चीजें जब फ्लीट करती हैं तो वो मूव कर जाती हैं, और जब चीजें मूव कर जाएंगी तो वो रुकेंगी थोड़ी ना। तो फ्लीटिंग होने का मतलब हो जाएगा मूविंग, जिसको कह सकते हैं, मूविंग कह सकते हैं। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके लिए एक चैलेंज है, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए होता है, तो मेरा बैच है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। इसमें मैं 3000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली आस्क्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ा रहा हूं। कहने की कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी हम जिन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, ये 20 सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस हैं और जो पेपर में 100 क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे ही वर्ड्स आपको इन 3000 में मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगे। और इसका लॉजिक ही यही है कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स में पिछले 3 साल में जितने भी नए वर्ड्स पूछे गए हैं, उन सभी को इंक्लूड किया गया है इसमें। और ये जो कोर्स है, ये 60+ वीडियोस का कोर्स है, साथ ही साथ इसमें 20 एक्सरसाइज टेस्ट भी हैं, राइट? तो आप चाहें तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज लिया फिर 6 मंथ्स के बाद फिर ये काम करनी। हाँ, अगर आपको कंप्लीट वोकैब के बारे में जानकारी लेनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड भी, कंफ्यूजिंग पेयर्स भी, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, तो उसकी जानकारी, उस बैच की जानकारी मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक आप देखते रहिए। नहीं, चेक तो नहीं कर पाया मैं, अभी देख लूंगा फ्री होकर। जी, मूविंग ऑन। हिज कंसीट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म, इवन इफ इट वॉज मीन टू बी कंस्ट्रक्टिव, इवन इफ इट वॉज मीन टू बी कंस्ट्रक्टिव, भले ही वो कंस्ट्रक्टिव क्यों ना रहो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो आपके भले के लिए किया जाता है, लेकिन उसके कंसीट ने उसको किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने ही नहीं दिया। मतलब वो किसी प्रकार की आलोचना को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, भले ही वो आलोचना उसकी भलाई के लिए रही हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज रिक्वायर्ड, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो कंसीट कोई अच्छा वर्ड तो हुआ नहीं, क्योंकि वो अच्छी आलोचना को भी नहीं सुन पाया, नहीं स्वीकार कर पाया, यानी कि उसका कंसीट गलत था। कंसीट का मतलब होता है आपका घमंड, आपका दिखावा, जिसको आप प्राइड कहते हैं, झूठ मूठ की, जिसको आप एरोगेंस कहते हैं। सुन रहे हैं? हाँ, जिसको आप एरोगेंस कह सकते हैं, प्राइड बोल सकते हैं। अब सोचिए, मॉडेस्टी तो शिष्टता को कहते हैं। अगर आप मॉडेस्ट हैं, शिष्ट हैं, आप में मॉडेस्टी है तो शिष्टता है, यानी कि आप में कर्टसी है। अगर मॉडेस्टी हो तो फिर वो क्यों नहीं सुनेगा आलोचना को?
कावर्डाइज कायरता, तो कायरता इसको कहेंगे नहीं। अब इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा तमाम स्टूडेंट्स को। इगोटिज्म इसका सही आंसर है, क्योंकि इगोटिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग है एरोगेंस, गुरूर, गुस्सा जिसको कह सकते हैं इगोटिज्म। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पहले से ही आप मान लें कि ये व्यक्ति सही है, या पहले से ही मान लें कि ये व्यक्ति गलत है, या ये डिसीजन गलत है, प्रेजुडिस। कभी कभी होता है ना कि आप सरकार के हर फैसले में राजनीति देखते हैं, तो आप वो प्रेजुडिस है फिर आपका। अगर आपको सरकार के हर डिसीजन में राजनीति ही लगती है, फिर वो प्रेजुडिस है आपका। ठीक, पूर्वाग्रह, पहले से ही मान लेना कि यही सही है, इसको प्रेडिलेक्शन भी कहा जाता है। 13. डिस्पाइट द प्रोफेसर्स बेस्ट एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स थ्योरी, प्रोफेसर ने खूब कोशिश की कि वो कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एक्सप्लेन कर ले जाए, सबको समझ में आ जाए। इट टुक मी अ वाइल, टुक मी अ वाइल का मतलब है मुझे कुछ समय लगा, वाइल मतलब टाइम, टू डेसिफर द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, मुझे लेकिन उस टेक्स्ट के वो जो स्टेटमेंट था, वो जो पैराग्राफ था, उसके मीनिंग को डेसिफर करने में समय लगा। अब आप सोचो सर, डेसिफर का मीनिंग क्या होगा, सोचो। प्रोफेसर ने खूब कोशिश की कि वो उस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एक्सप्लेन कर ले जाए, लेकिन फिर भी मुझे उस थ्योरी को डेसिफर करने में समय लगा। अब डेसिफर करने का मतलब क्या है, सीखना, समझना, डिकोड करना जिसको कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। डेसिफर करने का मतलब होता है समझना, समझना। अब बताओ क्या होगा, फोर सी आगे का देख लेना, प्रेडिक्ट आगे का देख लेना, ये दोनों ही सर सिनोनिम है एक दूसरे के। फोर मतलब आगे का, सी मतलब देख लेना, आगे का देख लेना, प्रेडिक्ट पहले से बताना, ये होगा सर। ये दोनों वर्ड जो है कल्पना पे आधारित है, हाँ ज्ञान पर भी आधारित है, लेकिन ये 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करते, और ये किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट की भी बात नहीं करते, रियलिटी के बारे में पूरी इनकी पकड़ नहीं है। कंसील मतलब हो जाएगा सर छिपाना, हाइड करना, इंटरप्रेट हो जाएगा सर टू अंडरस्टैंड। मेक आउट, डेसिफर कर पाना, मेक आउट। सर आप ऑप्शंस को गौर से देखा करिए तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। और एक बात लेकिन और समझिए सर, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ा है तो एक दिन में कुछ बनेगा भी नहीं। हाँ अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर फंस जाएंगे, इसीलिए स्क्रैच से ही सही पर शुरू करिए सर, सीखना शुरू करिए। भूल जाइए कि 4 महीने लग रहा है, कि 6 महीने लग रहा है, कि 1 साल 1.5 साल लग रहा है, सीखिए। इट्स नेवर टू लेट इफ यू स्टार्ट, और फिर अगर आप लेट करेंगे तो टुमारो नेवर कम्स, एज यू नो। तो ध्यान रहे कि शुरुआत जरूर करिए। द नेबर्स वर्ड्स ऑलवेज टैंटलाइज अस, पड़ोसी के जो शब्द हैं वो हमेशा मुझे टैंटलाइज करते हैं। अब पड़ोसी के शब्द या तो आपको हमेशा प्रेरित करते होंगे, या तो आप हमें आपको हमेशा सुकून देते होंगे, या तो आपको हमेशा उलझन देते होंगे, तंग करते होंगे, इरिटेट करते होंगे। सोचो, मिसगाइड करने का मतलब होता है भड़काना, गुमराह करना, है ना, मिसलीड करना जिसको कहा जा सकता है। प्रोवोक मतलब उकसाना, जिसको आप इनरेज बोल सकते हैं, इनसाइट कह सकते हैं, उकसाना, भड़काना, डायरेक्ट एक तरफ मोड़ना, निर्देश देना। पैसिफाई करने का मतलब है अगर आप गुस्से में हो तो शांत करना, जिसको आप कंसोल भी कह सकते हैं, दुख में हैं तो शांत करना। मॉलिफाई हो सकता है अगर आप गुस्से में हैं, अपीज हो सकता है, प्लकेट हो सकता है, कॉन्सिलिएट हो सकता है, ये सारे वर्ड्स। प्रोवोक, इनरेज, इनसाइट, फोमेंट एक वर्ड होता है, उकसाना, भड़काना, मिसगाइड, मिसलीड। अब टैंटलाइज करने का मतलब क्या होता है सर, टैंटलाइज करने का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना होता, उकसाना, भड़काना होता है सर, समझ रहे हैं ना। हाँ तो प्रोवोक इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, टैंटलाइज करना, किसी को पुश करना जिसको कह सकते हैं, पुश करना, लेकिन किस तरीके से, कि लड़ो, झगड़ो, मारो, काटो, प्रोवोक करना। द चूबी प्लेयर, चूबी किसको बोलते हैं, गोल मटोल को कहते हैं, जिसकी बॉडी में फैट बहुत डिपॉजिट हो,
तो उसे चूबी कहा जाता है, गोलमटोल, चूबी प्लेयर। बस क्लियरली टोल्ड टू ब्रिंग हिज कॉर्पुलेंट बॉडी इनटू अ गुड शेप। अब आप समझो, अगर कोई गोलमटोल है इसका मतलब है कि वो मोटा है, तो उसको क्लियरली ये बोला गया कि वो अपनी कॉर्पुलेंट बॉडी को गुड शेप में लाए। अब उसकी बॉडी अगर कॉर्पुलेंट है और उसे गुड शेप में लाने को कहा जा रहा है, यानी उसकी बॉडी जो है बेढंगी है, ऊटपटांग है, टेढ़ी मेढ़ी है, फैट बहुत है उसकी बॉडी में। तो अब जब बॉडी कॉर्पुलेंट है, फैट बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, डिफॉर्म्ड का मतलब होता है आकृति को बिगाड़ देना, डिफॉर्म कर देना, मतलब डिसमेंटल कर देना, डिसफिगर कर देना, मतलब तोड़फोड़ करना, जिसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। प्लश का मतलब होता है प्लश, प्लश का मतलब होता है लैविश, आलीशान, बड़ा महलों जैसा, प्लश एरिया, प्लश गार्डन, प्लश कॉरिडोर। लैंकी, किसी स्लिम को बोलते हैं, थिन को बोलते हैं, जो बहुत दुबला पतला हो, जिसे आप स्लेंडर भी कहते हैं, आप उसे रिकेटी भी कह सकते हैं। हाँ, एक वर्ड इमेसिएटेड भी होता है, बहुत अधिक दुबला पतला, जिसको कहते हैं, अगर ईडियम के रूप में जानना चाहें तो बैग ऑफ बोन्स हो सकता है। अब सर इसका सही ऑपोजिट सिनोनिम है रोटुंड। सर एक वर्ड होता है रोटुंडा, गुंबद को कहते हैं रोटुंडा। गुंबद कैसा होता है? पहली बात, गुंबद गोल मटोल होता है, भारी भरकम लगता है। गौर करिए, गुंबद का शेप कैसा होता है? गोल मटोल, और खूब घुमा करके खूब भारी भरकम बना रहता है, लगता है उसके अंदर बहुत कुछ भरा होगा। तो कॉर्पुलेंट बॉडी वही है जो गुंबद के जैसी है, बहुत मोटी तगड़ी, चर्बी बहुत ज्यादा हो उसमें, तो रोटुंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। पैरागॉन अच्छा वर्ड है, बहुत से लोग पहली बार इसे देख रहे होंगे। पैरागॉन हवाई चप्पलें आती हैं। पैरागॉन का मतलब होता है बेस्ट वर्जन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का बहुत शानदार, जिसको पीक पे आप कह सकते हैं, जो बेस्ट है अपने आप में, बहुत बढ़िया है जिसको आप कह सकते हैं, है ना, जो चीज नॉवेल है, आइडियल है, आदर्श है, शानदार है, उसको कहते हैं। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होता है, जिसे आप पीविश भी कह सकते हैं, और आप इसे कॉलरिक भी बोल सकते हैं, CHOLERIC, फिनिकी भी कह सकते हैं, FINICKY, जो फट से, फिनिकी, चिड़चिड़ा, झगड़ालू टाइप का, कंप्लेनिंग, कंटेंकरोस जिसको कह सकते हैं। एसोसिएट तो साथी को कहते हैं, जिसे आप एड भी बोलते हैं। याद रहे कि AIDE वाला जो एड है मदद है, AIDE एड एक व्यक्ति है जो मदद करता है, इसे आप कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, असिस्टेंट भी कह सकते हैं। ट्रांजिएंट तो पीछे मैंने पढ़ाया, फ्लीटिंग जो परमानेंट नहीं है, मोमेंटरी है, जो जो ट्रांजिटरी है एक तरीके। एपिटोम होगा सर, एपिटोम ऑफ एनीथिंग, शानदार, बेस्ट एग्जाम्पल, पराकाष्ठ है, एपिटोम, टॉप पे जो है अपनी फील्ड में, एपिटोम ऑफ टैलेंट जिसको कह सकते हैं, एपिटोम ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, इस तरीके से किसी के लिए इस्तेमाल किया। जैसे आपको लगता हो कि टाटा ग्रुप जो है बहुत ज्यादा सोशल सर्विस करता है, तो वो एपिटोम ऑफ सोशल सर्विस है, बेस्ट वर्जन, नजीर उसी की दी जाएगी। पैरागॉन बेस्ट वर्जन। द प्ले राइट किसी लेखक को कहते हैं, नाटककार को कहते हैं, जो किसी नाटक को लिख रहा हो, तो उसे प्ले राइट कहते हैं। बोरोड, उसने चुराया, उधार लिया, क्या, द क्रक्स ऑफ द प्लॉट फ्रॉम शेक्सपियर, उसने अपनी कहानी का जो क्रक्स था वो शेक्सपियर से लिया, मतलब शेक्सपियर की किसी कहानी से उसने अपने प्लॉट का क्रक्स लिया। क्रक्स किसको कहते, जानते हैं ना, थीम को कहते हैं, क्रक्स बोलते हैं मेन पार्ट को, क्लाइमेक्स को कहते हैं, जो उसका मुख्य क्रक्स ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन का जो क्रक्स है, असली सिचुएशन वही है क्रक्स। जो जैसे जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी, तो जब वो नाभिक मिला तो वो क्रक्स हुआ था, मेन पार्ट। तो ब्लूप्रिंट नहीं होगा। सबसिस्टेंस का मतलब तो डिपेंडेंस से होता है सर, जब आप किसी पर आधारित सबसिस्ट करते हैं तो आप निर्भर हो जाते हैं, सबसिस्ट जब आप करते हैं तो आप निर्भर हो जाते हैं, तो सबसिस्टेंस का मतलब निर्भरता से हो जाएगा। पील छिलके को कहते हैं, तभी तो पील ऑफ एक फ्रेज है, छिलके को हटा देना।
एसेंस इसका सही सिनोनिम है। एसेंस का मतलब ही होता मेन पार्ट, मुख्य बात। अब ब्लूप्रिंट का मतलब है कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा, एक आइडिया लिया। अब ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ब्लूप्रिंट बेसिकली स्टेप्स को, स्टेजेस को दिखाता है कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, और क्रक्स उसका मेन पार्ट है उसको दिखाता है। ब्लूप्रिंट किसी काम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। और उसी ब्लूप्रिंट में एक मेन पॉइंट होगा, ये है आप जो ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं जिसका ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं, इसमें ये है खास बात, ये इसका क्रक्स है। क्लाइमेक्स, रिपरकुशन। रिपरकुशन का मतलब होता है, ये नया वर्ड है आप में से बहुत से लोगों के लिए। रिपरकुशन का मतलब होता है जो साइड इफेक्ट्स है आपकी गलतियों का, जो खामियाजा है। क्या है सर? गलतियों का खामियाजा है, जो जो दुष्प्रभाव जिसको कह सकते हैं, जिसे आप साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइड इफेक्ट्स। तो कॉन्सिक्वेंस इसका सही सिनोनिम होगा, जिसको आप रिजल्ट बोलते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, गंदा रिजल्ट होता, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कहते हैं। इसी से तो एक ईडियम बनता है, प्रॉस एंड कॉन्स। कॉन्स का फुल फॉर्म यही तो है इसमें, प्रॉस मतलब प्रॉफिट्स और कॉन्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट्स, बैड रिजल्ट्स। एप्रीहेंशन बोलते हैं सर, डर को, फियर को जिसको कह सकते हैं, जिसे आप इनहिबिशन भी बोलते हैं। डर भी होता है सर, हेजिटेशन भी तो एक प्रकार का फियर ही है। डुप्लीकेशन का मतलब नकली, जिसको आप फोर्जरी भी कह सकते हैं। रिक्यूजेशन आप में से बहुत से वर्ड लोगों के लिए बहुत काम का वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कई बार। सर रिक्यूजेशन का मतलब होता है जब किसी केस की सुनवाई से किसी जज को हटा दिया जाता है, ये सोचते हुए कि ये जो है जज अपने ही बेटे के मामले में फैसला कैसे सुना सकता है, वहां तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, स्वार्थ छिप जाएगा। हाँ, किसी जज पे आरोप लगा कि उसने घूस ली है, तो फिर उस जज को उस केस की सुनवाई से हटा दिया गया, तो ये रिक्यूजेशन है, विड्रॉल ऑफ अ जज, विड्रॉल ऑफ अ जज। किसी केस से जब जज को हटा दिया जाए तो ये सोचते हुए कि आपने वहां पर घूस ली है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, रिलेटिव का केस है, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाए उससे, तो ये रिक्यूजेशन है। बेसिकली खास तौर पे आपके प्रेजुडिस की वजह से, प्रेजुडिस की वजह से, कि आप तो अपर कास्ट से हैं तो ये तो शेड्यूल कास्ट का मामला, आप क्या सही फैसला देंगे, या आप शेड्यूल कास्ट से हैं और आप हमेशा से ये मानते आए हैं कि अपर कास्ट ने भेदभाव किया हमारे साथ, तो इस व्यक्ति के केस में आप क्या इंसाफ करेंगे, आप तो सोचेंगे कि ठीक है फंस जाइए, तो ये रिक्यूजेशन है। क्वेल बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है, क्वेल। क्वेल करने का मतलब होता है खत्म करने, क्वेल क्विट से रिलेट करी, खत्म, क्वेल करने का मतलब होता है एंड कर देना, क्वेल, ओवर, क्वेल कर देना, समाप्त कर देना, फिनिश, फिनिश कर देना, क्वेल कर देना, नलिफाई कर देना, जीरो बना देना, नलिफाई कर देना। एक वर्ड एनल भी होता है सर, इनवाइट क्यों होगा, बिसीच, बिसीच मतलब होता है सर प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, अपील करना, गिड़गिड़ाना, निवेदन करना, बिसीच बोलते हैं उसको, इनकरेज करना, पुश करना, ये क्यों होगा, सप्रेस होगा सर, सप्रेस मतलब होता है दबा देना, सप्रेस कर देना, तो जब आप चीजों को दबा दोगे तो वो खत्म नहीं दिख रही है हम ना, कम से कम कुछ समय के लिए तो वो नहीं दिखेंगे ना, कुछ समय के लिए तो वो छिप ही जाएंगे ना, सप्रेस कर देते हैं, दमन कर देना, दबा देना। क्वेल का सही सिनोनिम सप्रेस हो जाएगा। ऑप्रेस भी बोलते हैं, रिप्रेस भी बोलते हैं, सबड्यू करना भी कहते हैं इसको, सबड्यू। लास्ट वर्ड है सर ये रैविशिंग, इसके बाद सेशन ओवर हो जाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो से सच में कुछ अच्छा सीखा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी एक फ्रेंड से शेयर भी कर लीजिएगा जो आपके जैसे ही तैयारी कर रहा हो, सीखना चाहता हो। फाइंड सिनोनिम, रैविशिंग का सिनोनिम बताना, रैविशिंग।
स्टनिंग सिस्टम स्क्राइस्क्रेपर सोफिस्टिकेटेड, और ये जो चार वर्ड्स हैं ये इस एग्जांपल से आए हैं। इससे बताइए द आर्किटेक्ट डिजाइंड अ स्टनिंग स्काईस्क्रेपर। स्काईस्क्रेपर गगनचुंबी इमारतों को बोलते हैं, बुर्ज खलीफा, ऐसी इमारत जो बहुत ऊंची हो उसे स्काईस्क्रेपर्स बोलते हैं। विद अ सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम, तो क्या होगा रैविशिंग का सामान सिस्टम तो नहीं होगा, स्काई स्क्रेपर भी नहीं होगा, वो तो बिल्डिंग के लिए हो गया ना, बिल्डिंग के लिए हो गया। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है शांत सीरीन, मतलब वेल मैनर्ड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जहां पर चीजें ऊट पटांग ना हो, ठीक नजर आए, सोबर जिसको कहा जा सकता है। सर स्टनिंग होगा शानदार, रैविशिंग का मतलब ही होता है वाओ मजा आ जाए, शानदार जिसको कहते हैं, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट अमेजिंग। आप स्टंड हो जाएं जब स्टनिंग कहा जाएगा, रैविशिंग। इसे याद करने का तरीका है कि एक पत्रकार है सर रवीश कुमार, अगर लोगों का मानना है कि वो बहुत शानदार पत्रकारिता करते हैं तो रैविशिंग मतलब शानदार। अगर आप उनकी पत्रकारिता से ताल्लुक ना भी रखते हो, उनको आपका आपको उनका पत्रकारिता करने का तरीका ना भी पसंद हो तो क्या करना सर, सीखने के लिए सीख लीजिए ना कि रवीश कुमार की पत्रकारिता बहुत ही रैविशिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत ही शानदार है। रैविशिंग मतलब शानदार, समझ रहे हैं सर। सीखने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता भैया जी। मैं जिस बैच की बात सेशन के बीच में कर रहा था यही वो बैच, ये है वर्ड पावर का बैच, ऑल इन वन है, इसमें सब कुछ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, रूट्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, होमोफोन्स, सब कुछ है इसमें। ये बैच 999 का है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज लिया एक साल बाद बेकार। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं मेरे सारे ही बैचेस की एक खूबी है कि जैसे ही नया कंटेंट ऐड होता है तो मैं पुराने बैच में भी वो कंटेंट ऐड करता हूँ। लेट्स से कि इसमें 1000 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो जैसे मैं इसका दूसरा वर्जन लाता हूँ और उसमें 1400 होंगे तो 400 का जो गैप है वो यहाँ भी भरा जाएगा। तो जितना भी नया कंटेंट है वो पुराने बच्चों को जरूर दिया जाएगा। बैच ऑनलाइन है, हमारा ये एप्लीकेशन है, इस पर अवेलेबल है, अश्विन क्लासेस लखनऊ। कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो, इंग्लिश की क्लास करनी हो, एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम के लिए, एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जरूर आइए। मैंने पूरे मन से ये सेशन लिया है, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर अप्रिशिएट करिएगा। अप्रिशिएट करने के लिए क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड में इसे शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहां पर मैं आपको एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा। Thank you.